नमस्कार, खबर एक्सप्रेस न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिंगे सिंह। शुरुआत करते हैं रात 11 बजे तक की बड़ी खबरों के साथ, लेकिन सबसे पहले खबरें महानगर से जुड़ी हुई। उत्तर प्रदेश के चुनाव में किसी न किसी तरीके से ममता बनर्जी की अहम भूमिका होने जा रही है। बंगाल में भाजपा को मात देने के बाद अब ममता उत्तर प्रदेश में अखिलेश के लिए वोट मांगेंगी। वहां अखिलेश की समाजवादी पार्टी के समर्थन में ममता बनर्जी 8 फरवरी को लखनऊ में वर्चुअल चुनाव प्रचार करेंगी। इतना ही नहीं, ममता का ऑनलाइन प्रचार पीएम मोदी के गढ़ बनारस में भी होगा। बड़ा बाजार इलाके से 86 लाख के सोने के बार के साथ एक गिरफ्तार। सूत्रों के मुताबिक वह सोना बाइक से बड़ा बाजार के सोना व्यवसायी को पहुंचाने गया था, लेकिन उससे पहले ही कस्टम की टीम को इसकी सूचना मिली, इसीलिए उसे मौके पर पकड़ लिया गया। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर समेत भाजपा के कई नेता विक्षुब्ध हो गए हैं। पार्टी सूत्रों ने बताया कि मंगलवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसकी खबर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष से ली। इस बारे में भाजपा सूत्रों का कहना है कि जेपी नड्डा ने दिलीप घोष से पूछा है कि आखिर केंद्रीय मंत्री व कुछ विधायक क्यों विक्षुब्ध हो गए हैं। ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर की तरफ से बताया गया कि इस बार 13वां एपीजी कोलकाता लिटरेरी फेस्टिवल 21 जनवरी से शुरू होकर 23 जनवरी तक चलेगा। हालांकि इस बार ये फेस्टिवल पूरी तरह से वर्चुअल माध्यम से होगा। एपीजी कोलकाता लिटरेरी फेस्टिवल 2022 ऐतिहासिक ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर की शताब्दी को भी चिन्हित करेगा। त्रिमूल के सांगठनिक स्तर में चुनाव की घंटी बज गई है। अगले महीने 2 फरवरी को त्रिमूल का सांगठनिक चुनाव होगा। 31 मार्च को नई कार्यकारी कमेटी की घोषणा होगी। मंगलवार को त्रिमूल के प्रदेश महासचिव पार्थ चटर्जी ने इसकी घोषणा की। हमारे जहाँ सांगठनिक नियम सेटल नियम होते को भी 4% निर्वाचित तो 4% निर्वाचित होवार पर परवर्तीकाले तत्पर विभिन्न पदाधिकारी কনস্টিটিউশনে যতদিন ধরে আমাদের 5 বছর অন্তর অন্তর করার কথা, কখনো 3 বছর অন্তর অন্তর করার কথা, আমাদের 2017-তে হয়েছিল। अब रुक करते हैं जिलों की खबरों की ओर। पर्यटन व्यवसाय चालू करने की मांग पर धरना प्रदर्शन। जलपाईगुड़ी में जंगल बंद होने के कारण पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों की परेशानी काफी बढ़ गई है, और यही कारण है कि पर्यटन व्यवसाय से जुड़े 12 संगठनों के कर्मचारी जंगल के अंदर प्रवेश की अनुमति व पर्यटन व्यवसाय को चालू करने की मांग को लेकर जलपाईगुड़ी जिले के चारसा मूर्ति टिकट काउंटर के कार्यालय के सामने जमकर प्रदर्शन किया। তারিখ থেকে ওয়াটার ব্যান হয়েছিল যে জঙ্গল বন্ধ। এই জঙ্গল বন্ধ হওয়ার জন্য যে আমরা যারা পর্যটন ব্যবসার সাথে যুক্ত এই এলাকা ডুয়ার্সের, বিশেষ করে জঙ্গল কেন্দ্রিক ব্যবসা, পর্যটন ব্যবসাটা জঙ্গলের উপরে নির্ভর করে। জঙ্গল বন্ধ হওয়ার জন্য সবাই খুব শোচনীয় অবস্থার মধ্যে আছি। যারা প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে টোটো, বিভিন্ন গাড়ি চালক, আমাদের জিপসি চালক, রিসর্ট সংগঠন থেকে শুরু করে যারা ট্রাইবাল ডান্স আছে, সবাই খুব শোচনীয় অবস্থার মধ্যে আছি। আমরা চাই অবিলম্বে জঙ্গল খোলার জন্য। टेक्नोसिटी थाने से सटे सापुरजी आवासन के पास पुलिस के नाम पर पैसा वसूलने के आरोप में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। टेक्नोसिटी थाने की पुलिस ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से कई शिकायतें मिल रही थी। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया। प्रत्येक दिन हमारा एदिके आसी, जोखनो समय आसी, बोले हमारे डाकेर लोग, हमारे बड़ो बाबुर लोग, मेजो बाबुर लोग, तखन बोले 1000 टाका दिते होबे, 500 टाका दिते होबे। बोले सर एटा किसेर जन्ने? বলে তোমার লাইসেন্স দেখি, লাইসেন্স দিয়ে দিলাম, একবার গাড়ি নিয়ে ছুটে পালিয়ে গেলো। তারপর 1000 টাকা দিলাম, আমার লাইসেন্স দিয়েছে। তারপর আজকে আবার ধরেছে, বলে 1000 টাকা করে লাগবে। আমরা সব কিসের 1000 টাকা? আপনি কে? বলে আমি পুলিশের লোক। তারা কি টাকা চেয়েছে? টাকা চেয়েছে। কত টাকা চেয়েছে? 1000 টাকা করে একটা গাড়ি দিয়ে, একটা গাড়িতে 1000 টাকা। তারা পুলিশের নাম করে, আদেও তারা পুলিশের লোক না? পুলিশের লোক না, ওরা আমাদের নাম করে টাকা তোলা হচ্ছে। তারা কি আদেও পুলিশের লোক? আমাদের লোক নয়, আমি থানে নিয়ে গেছি। एक नजर डालते हैं देश दुनिया से जुड़ी खबरों पर। केजरीवाल ने किया पंजाब के लिए सीएम के चेहरे का ऐलान। भगवंत सिंह मान आप समर्थकों की पहली पसंद। एक नजर डालते हैं मनोरंजन जगत से जुड़ी खबरों पर। The
धनुष ऐश्वर्या अब एक नहीं। ऐश्वर्या ने 3 महीने पहले पोस्ट में खुद को बताया था प्राइवेट वाइफ। अलग होने के बाद भी नहीं हटाया प्रोफाइल से धनुष का नाम। जान लेते हैं कल का मौसम। महानगर का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई है। धूप खिली रहेगी। महानगर व देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए बने रहे खबर एक्सप्रेस के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।